देश और दुनिया में कोरोना के हालात पर हम चर्चा कर रहे हैं और राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया हमारे साथ में हैं। जिस तरह से प्रदेश की अगर बात की जाए तो राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं उससे पहले सभी कोरोना आहतों को जो लॉकडाउन में हैं या बाहर हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने एक खुशी दी है कि गैस के दामों में काफी कमी हुई। क्या कहना है सबसे पहले आपका? मैं सोचता हूँ कि वास्तव में आर्थिक दृष्टि से हिंदुस्तान के हर परिवार की स्थिति बहुत गंभीर है और मैं सोचता हूँ कि बाकी चीजों में गैस जो है उसके जीवन का एक अभिन्न अंग है। आज उसका कमाने का सारे रास्ते लगभग बंद हैं या खत्म हो गए। केवल राज्य कर्मचारी को छोड़ दो, जिसके पास बंधी हुई तनख्वाह है उसका कुछ हिस्सा आ रहा है। व्यापारी तो कमाएगा तभी तो खर्च करेगा। अधिकांश लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, उनका व्यवसाय नहीं के बराबर है। ऐसे समय में केंद्र सरकार का ये निर्णय कि गैस का उन्होंने घरेलू गैस कनेक्शन में 190 रुपया कम करना और जो व्यापारिक गैस कनेक्शन की जो टंकी आती है 262 रुपया, निश्चित रूप से अब तक हिंदुस्तान में मेरी जो समझ है पहली बार इतनी अधिक रेटों को कम करने का जो साहस किया है केंद्र सरकार ने, निश्चित रूप से इस समय की परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी मदद है। जिस तरह की बात की जाए कि प्रवासी राजस्थानियों पे एक बहुत बड़ा विषय खड़ा हुआ है राजस्थान में, जहाँ पर प्रवासी राजस्थानी अपने प्रदेश में लौटने को इच्छुक हैं, यहाँ से मजदूर जाने को इच्छुक हैं, लेकिन सरकार आखिर में क्या कर रही है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन संसाधन कितने जुटा पा रही है राज्य सरकार इसके लिए? क्या है कि जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तभी से एक तरह से सारे काम बंद हो गए और प्रवासी राजस्थान में जो हैं उनमें से 80% लोग छोटे छोटे मजदूरी के काम या लोगों के यहाँ काम करके अपनी जीविका चलाते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं। जब वहाँ काम ही नहीं रहा तो उनको अपनी दिनचर्या चलाना भी कठिन हो गया और इसके कारण से भी और इस महामारी के डर से भी वो अपने अपने निवास स्थान और गांव की तरफ आने का उनका प्रारंभ से ही दबाव था। मैं सोचता हूँ फिर भी लॉकडाउन में सख्ती से सब लोगों ने इसकी पालना की और उनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया, पर मांग बार बार उठती थी कि हमको हमारे गांव आने दो। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस भावना को और तेज कर दिया जब यह कहकर के कि हम उनको लाने के लिए तैयार हैं। और उत्तर प्रदेश की जब योगी सरकार ने कोटा से बच्चों को निकालने के लिए बसें भेज करके अपने राज्य के लोगों को ले गए, बच्चों को ले गए, ऐसे ही मजदूरों को भी उन्होंने अपनी बसें भेज करके लाखों मजदूरों को जो उत्तर प्रदेश ले गए, तो संपूर्ण देश में एक वातावरण सा बना कि अब सभी राज्य सरकारें अपने अपने लोगों को ले जाएगी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इसमें और ज्यादा पहल कर दी कि हम तो लाना चाहते हैं लेकिन नियम ऐसे हैं कि हम ला नहीं पा रहे हैं, हम लाना चाहते हैं। अब सरकार ने आपको इस 20 तारीख के बाद में एक नया विचार किया और सारे मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद लोगों को लाने की दृष्टि से कई प्रकार की सुविधाएं दे दी कि हम वो ऐसे आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। मैं सोचता हूँ आज की तारीख में सब प्रकार की छूट मिल गई। लोगों के मन में आया कि अब राजस्थान सरकार हमको ले जाने के लिए बसें भेजेगी, जैसा उन्होंने कहा हम 400 बसें यहाँ जा रही है, 300 वहां जा रही है, 800 वहां जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने केवल जो बॉर्डर पे फंसे हुए क्वारंटाइन में थे, जिन लोगों ने अपना 14 दिन 20 दिन पूरा कर दिया, उनको ले जाने के लिए तो बसें लगा करके वो जरूर ले गए, उसके लिए उनका धन्यवाद। लेकिन जो बाकी लोगों की जो उन्होंने जो सुविधा जुटाने की जो आश्वासन दिया, उसके कारण से राजस्थान के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सरकार के पास भी 10 लाख से अधिक पहुंच गया है और मेरे हिसाब से लगभग 20 लाख की संख्या होगी
अब इसको लाने के लिए जितने साधनों की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए वो सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं, सरकार इसको करने में समर्थ नहीं हो रही है। और इस कारण से सरकार ने फिर एक बुद्धिमानी की कि अपनी तकलीफ की गेंद को दिल्ली की पाले में फेंक दो, और इसलिए 3 दिन से बोलना शुरू किया कि अब तो ट्रेन लगा के लाना पड़ेगा ताकि केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी चले जाए, हवाई लूटने का काम ये कर ले। अभी तक तो जो उन्होंने किया और जो लोगों की भावनाओं को जगाया ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि राजस्थान सरकार उन सब स्थानों पर बसें भेजकर जिनको आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया और आपके सभी अधिकारी सभी सेक्रेटरी हर जिले हर प्रांत में लगे हुए हैं उनके पास उनकी सूची है, वहां की महाराष्ट्र में हमारे सेक्रेटरी लगे हुए हैं, गुजरात में लगे हुए हैं, कर्नाटक में लगे हुए हैं, आंध्र में लगे हुए हैं, सबके पास अपनी सूचियां हैं कहाँ कितने लोग हैं ये रजिस्टर्ड। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री का दायित्व है नैतिक कि वहां बसें भेज करके उन लोगों को लेकर के अपने स्थान तक आए, तब तो बात समझ में आती वो मदद करना चाहते हैं, बाकी केवल सहानुभूति लूटने के लिए गेंद उन्होंने चलाई है वो आज राजस्थान के उन प्रवासियों के दिमाग में एक बहुत बड़ी परेशानी आके खड़ी हो गई। और जो बसें उनके यहाँ से सामान्यतः जो हमारी पहले जो वीडियो कोचेज जो चलते थे आज वो वीडियो कोचेज जो है ना 5 गुना 6 गुना अधिक पैसा देकर के लोगों को लाने की बात कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ ये दोहरी मार होगी। सरकार व्यवस्था कर सके तो उसके बारे में कहे, नहीं कर सकती है तो अल्टरनेट रास्ते निकाले। केंद्र सरकार से ट्रेन चलाने की बात कहकर के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते वो, क्योंकि ये चलाया उन्होंने, इनको लाने के लिए सबसे पहले अगुवाई किसी ने की तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की, बाकी सारी स्टेट को भी उस और दिशा में डालने का प्रयास किया तो उन्होंने किया। अब जो उनके गले में आ गई तब वो इधर से उधर बकले झांकने का काम कर रहे हैं, इसको बंद करें। नैतिक जिम्मेदारी है कितना महंगा पड़ेगा कितना सस्ता पड़ेगा, और एक जितने लोग आएंगे उनके आने के बाद जो पहले स्थानीय लोग हैं उनकी हेल्थ की सुरक्षा की भी पक्की व्यवस्था करें, आने वाले लोगों को ठहराने के लिए और उनका मेडिकल चेकअप भी प्रॉपर हो जाए ताकि गांवों के गांव में किसी प्रकार के कोरोना की महामारी फैल न जाए। नहीं तो जो हमने 40 दिन की तपस्या की वो सारी तपस्या एक तरफ हो जाएगी और जिस भले के लिए ला रहे हैं वो लोग यहां आकर के भी एक नई परेशानी में फंस जाएंगे। तो मेरे हिसाब से राजस्थान के मुख्यमंत्री को अपनी सरकार की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि वो बसें लगा करके लोगों को लाएंगे कि नहीं लाएंगे, लोगों को अपने स्वयं के व्हीकल करके आना है तो उसके बारे में स्पष्ट करें, केंद्र सरकार के साथ उनकी क्या बातचीत हुई है ट्रेन लगाने के बारे में वो स्पष्ट करें ताकि ये जो ऊहापोह की स्थिति है वो खत्म हो। और दो बातों का विशेष ध्यान से, आने वाले लोगों की सुरक्षा हो हेल्थ की दृष्टि से और जो पहले गांव में रह रहे हैं उन लोगों की भी हेल्थ की सुरक्षा हो, इन दोनों का तालमेल बिठाने के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय इस समय है। राजस्थान के मुख्यमंत्री से प्रार्थना है केवल राजनीतिक दावपेच खेलने की जरूरत नहीं है, मानवीय आधार पे जो कर सकते हैं वो जनता के सामने रखो, जनता ने पूरे मन से मदद की है, इसमें भी अगर आप किसी प्रकार की मदद चाहें तो दानदाता इसमें भी मदद कर सकते हैं, पर गेंद फेंका फेंकी नहीं करें, ईमानदारी से क्या हो सकता है इस ओर ध्यान करें। राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए और कार्य अगर हो तो आधार स्तर पर इतना मजबूत हो कि किसी को भी उपापों की स्थिति न लगे। प्रवासी राजस्थानी अपने गांव लौटने चाहते हैं और वो अपनी सुरक्षा और विशेष करके गांव वालों की चिंता को भी ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन सरकार उस तरह के संसाधन उस तरह के आयाम स्थापित कर सके तो उनको लाया जाना चाहिए। अगर इतने संसाधन सरकार नहीं जुटा पाई और स्थिति गंभीर हुई तो उसकी जिम्मेदार कौन सरकार रहेगी और कौन अधिकारी उसके जिम्मेदार रहेंगे, एक विचारणीय विषय है कि स्थानीय लोगों की जांच और स्थानीय लोगों के लिए संसाधन भी सरकार अभी तक उतने स्तर पर नहीं जुटा पा रही है। इतने लोग राजस्थान में आएंगे तो उनकी सुरक्षा के सवाल और मापदंड क्या होंगे और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के मापदंड क्या होंगे, ये सरकार को पहले
विचार करना चाहिए। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।